अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राहिल अहमद और आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट्स 99 पर। स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था दैट वाज रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप, इस पर हमने बात की थी। एक टॉपिक हमने डिस्कस किया दैट वाज रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी के रिलेशनशिप को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम दूसरे पर आएंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केएक्स। केपी और केएक्स का रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम उसी तरह से एक जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी गिव्स सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। ये हमारे पास एक जर्नल रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन के लिए आप लिखें केपी। इस रिएक्शन के लिए केपी लिखें तो क्या होगा, आपके पास पी ऑफ सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी, पी ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, पी ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी किसके लिए, केपी के लिए बन जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कि इस सारे मिक्सचर के अंदर पी का प्रेशर कितना है, सॉरी ए का प्रेशर कितना है, सी का प्रेशर कितना है, उसके लिए हम राउल्ट्स लॉ से हेल्प लेंगे। राउल्ट्स लॉ या डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक मिक्सचर के अंदर एक कंपोनेंट का प्रेशर कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहें प्रेशर ऑफ ए, तो वो क्या होगा कि प्रेशर ऑफ ए व्हेन इट इज इन प्योर स्टेट दैट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहां से हमें ये पता चलेगा कि ए का प्रेशर कितना है, सिमिलरली बी का प्रेशर, सिमिलरली डी का प्रेशर और सिमिलरली सी का प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम उस मेन इक्वेशन में अगर पुट करें तो क्या बनेगा, देखिए जरा। केपी इज इक्वल टू देखें अब सी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमारे पास सी है तो प्रेशर ऑफ सी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये पे क्या है सी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक हो गया। अब साथ में क्या है डी, तो प्रेशर ऑफ डी मोल फ्रैक्शन ऑफ डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय इसी तरह से ए के लिए आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यहां तक। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी कि जब हर एक कंपोनेंट का हम प्रेशर भी विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब आगे देखें क्या है कि इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देखें पी वाली टर्म को आप एक तरफ ले जाएं और सी वाली टर्म को आप एक तरफ ले जाएं, ठीक हो गया। अब देखें कि के पी इज इक्वल टू पहला लें कि सी ऑफ सी कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ये इसको आप यूं ले लें प्रेशर ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे हमने किस पे बात करनी है, प्रेशर पे करनी है, तो आप प्रेशर को एक तरफ ले लें, एक्स को एक तरफ ले लें, ठीक है। एक्स ऑफ सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक हो गया। एक्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और ये पी यहां पर भी और यहां पर भी क्या है सेम है, तो आप क्या करें पी सी प्लस डी हो जाएगा यहां पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक हो गया। और अब देखें यहां पर बिल्कुल ये सिंपल सी बात, ये क्लियर है कि ये किसके इक्वल था, के एक्स के इक्वल था। तो आप ये कह सकते हो कि के पी इज इक्वल टू के एक्स, के पी इज इक्वल टू के एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये याद रखना ये के एक्स है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय पी, ये आप मैं सिंपली लिख देता हूं डेल एन। ये वहां पे हमने क्लियर किया था कि ये ऊपर जाएगा तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, वो क्या कहलाता है डेल एन, इस पर हमने बात कर ली थी, ठीक है। और इफ डेल एन इज इक्वल टू जीरो इट्स मीन के पी विल बी इक्वल टू के एक्स,
तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि केपी और केएक्स का रिलेशनशिप आप कैसे।